नमस्ते, मैं रजत हूं और आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप। 13 दिसंबर को लोकसभा में राहुल गांधी के नाम पर खूब हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव लाया। भाजपा की हुगली से सांसद लोकेट चटर्जी ने कहा कि राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को रेप इन इंडिया कहकर पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री और राहुल गांधी को अमेठी सीट से लोकसभा चुनाव हराने वाली स्मृति ईरानी ने तीखी टिप्पणियां की। कहा कि राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरयाम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। एक पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, यह राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूं, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का वो बयान जिसकी वजह से हंगामा हो रहा था। आप भी जानिए कि राहुल गांधी ने असल में कहा क्या था। नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया, जहां भी देखो अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। राहुल गांधी ने यह बयान झारखंड में हुई एक रैली में दिया था। जब हंगामा हुआ तो राहुल गांधी ने अपना पक्ष भी रखा। मीडिया से उन्होंने कहा कि मैं इनसे कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। अब इनसे कौन है ये आप भी जानते हैं। मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा, हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं हो रहा। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है, बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा। अब मैं बात करता हूं माफी मांगने की, मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। थैंक यू। इस पूरे मुद्दे पर जो भी सियासी घमासान होगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए दी लल्लनटॉप.com। शुक्रिया।